Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Ms. Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the topic Vavilov Center of Origin. तो आज हम लोग वेविलोव सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे. वेविलोव ने टोटल 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे. 8 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन के लिए मैंने यहाँ पे हर एक छोटी छोटी ट्रिक बनाई है जिसके थ्रू आप लोग एंडेमिक स्पीसीज को ऑन टिप याद कर सकते हो, और ये वीडियो देखने के बाद आपको 8 सेंटर्स ऑन टिप याद हो जाएंगे. ओके, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, और ये मत करना कि आप लोगों ने जस्ट वीडियो से नोट्स कॉपी कर लिए तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी. तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए. अगर आपको इससे हेल्प मिलती है, अपने फ्रेंड्स को इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में जरूर बताएं. ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग वेविलोव के बारे में पढ़ते हैं कि वेविलोव कौन थे. वेविलोव एक रशियन बॉटनिस्ट थे. इनका पूरा नाम था निकोलाय इवानोविच वेविलोव. ओके, इस पूरी वीडियो में सेंटर ऑफ ओरिजिन को हम लोग COO भी बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन. जो हमारे वेविलोव थे, इनका बर्थ हुआ था 25 नवंबर 1887. को एक चीज और सजेस्ट करूंगी, पर्टिकुलर सिलेबस में वेविलोव से रिलेटेड कोई चीज दी हुई है तो आप NI वेविलोव यानी कि निकोलाय इवानोविच वेविलोव पे एक पर्टिकुलर थ्योरी भी प्रिपेयर करें, बिकॉज इस पे एग्जाम में कभी कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है. सेंटर ऑफ ओरिजिन के अलावा वेविलोव की जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है. इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी. सो वेविलोव के बारे में आपको ऑलमोस्ट पता होना चाहिए, बिकॉज सेंटर ऑफ ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है प्लांट के, वो वेविलोव ने ही रखा था. कि सेंटर ऑफ ओरिजिन होता क्या है? अ ज्योग्राफिकल एरिया वेयर द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आइदर वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ. देखो, सेंटर ऑफ ओरिजिन नाम से ही क्लियर हो रहा है. ओरिजिन कहने का मतलब है कोई चीज जो कि उत्पन्न हुई है, मतलब सबसे पहले वो कहाँ पे उत्पन्न हुई है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन. एक ऐसी ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ये मैटर नहीं करता है कि वो वाइल्ड है, वो डोमेस्टिकेटेड है, वो सबसे पहले अर्थ पे कहाँ आया है वो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है. अब ये जो सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है, ये दो टाइप का होता है. एक होता है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन और एक होता है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन. प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन वो पर्टिकुलर प्लेस होती है जहां पे वो क्रॉप सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ है. लेट सपोज हम एक प्लांट स्पीसीज के बारे में बोलते हैं जो कि है XYZ, हमने कोई भी नेम ले लिया. अब ये पर्टिकुलर स्पीसीज सबसे पहले इंडिया में आई थी. ओके, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के साथ ये अमेरिका में चली गई, उसके अलावा ये ईरान में चली गई. तो यहाँ पे इंडिया इसका प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है, लेकिन अमेरिका और जो ईरान है वो इसका सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है. ओके, तो वो प्लेस जहाँ पे हम इसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं अदर देन प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, तो उसको हम सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन बोलते हैं. ओके, तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है? वेयर द क्रॉप फर्स्ट ओरिजिनेटेड, और इसको ट्रांसफर करवाने के बाद टू द न्यू प्लेस तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन. जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है, हेयर प्लांट आर एक्चुअली नॉट ओरिजिनेटेड, यहाँ पे प्लांट का कोई ओरिजिन नहीं होता है. लेट सपोज हम वीट के बारे में अगर बोलते हैं तो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जो है वो वीट के प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है, और इंडिया जो है उसको वीट का सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन बोला जाता है. ओके, अब देखो जो निकोलाय इवानोविच वेविलोव है, 1926 पे इन्होंने 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे. आपके लिए सबसे पहले चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको ये 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑन टिप याद होने चाहिए. इनकी एंडेमिक स्पीसीज, कौन से प्लेस को ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इस तरीके से आपको 8 जो हमारे सेंटर ऑफ ओरिजिन है इनके बारे में आपको डिटेल्ड पता होनी चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो एंडेमिक स्पीसीज होती है. ओके, तो वेविलोव ने 1926 पे 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे, लेकिन 2012 तक इनको 12 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन पे मॉडिफाई कर लिया गया था. तो मेन फोकस आपका इन 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन पे होना चाहिए. इसके बाद एट द एंड में आपको वो जो एक्स्ट्रा हमारे 4 या 5 जो हमारे नए सेंटर ऑफ ओरिजिन बने थे, इन पर्टिकुलर जो 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन था इसी में से पर्टिकुलर 2 सेंटर ऑफ ओरिजिन थे जिसमें से एक सेंटर को 2 पे डिवाइड कर लिया गया था और एक पर्टिकुलर सेंटर को 3 सब पार्ट्स पे डिवाइड किया गया था, और एक नया USA नाम का हमारा सेंटर ऑफ ओरिजिन बना था. तो उसके बारे में हम लोग लास्ट पे पढ़ेंगे, पहले हम लोग ये जो 8 इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ओरिजिन थे इनके बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे वो है एंडेमिक.
देखो एंडमिज्म पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आप लोग उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, और बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोग का आया था उस वीडियो को लेके। तो एंडेमिक कहने का मतलब है ना, मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था। देखो एक बच्चा होता है ना जो हर किसी से बोलता है, और एक बच्चा ऐसा होता है ना जिसको किसी से बात करने की आदत नहीं होती, वो बस एक जगह पे बैठा रहता है, वो खुद से उसको मतलब होता है, बाकी दुनिया कुछ करे उसे कोई मतलब नहीं होता। तो वो बंदा ना एंडेमिक होता है, मतलब कि वो एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट रहता है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे ही वो मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक, मतलब रिस्ट्रिक्टेड टू एन एरिया। ये है कि एंडेमिक जब वर्ड हम यूज करते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर चीज जो कि एक प्लेस पे क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2012 में वेबिलोव ने जो थे 12 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे, बट जो इम्पॉर्टेंट हमें याद करने होते हैं वो है 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन। अब देखो इनको याद करने की जो एक बेसिक ट्रिक है, हमें टोटल 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन याद करने हैं, तो मैं आपको 2-2 के पेयर में ये याद करवाऊंगी। ओके, सबसे पहले आजकल चाइना और हिंदुस्तान का ना काफ़ी टक्कर चलती है आपस में, तो एक चीज़ आप देख सकते हो कि चाइना वर्सेस हिंदुस्तान। तो पहले के जो 2 सेंटर्स है ना, एक है हमारा चाइना सेंटर और दूसरा है हमारा हिंदुस्तान सेंटर। तो चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चाइनीज सेंटर के बारे में। चाइनीज सेंटर जो हो जाता है, इट इज द अर्लीएस्ट एंड द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेंटर, माउंटेन रीजन ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न चाइना इसके अंदर आता है। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि सबसे पहले जो रीजन इसके अंदर आता है और दूसरा जो एंडेमिक स्पीसीज है, इसके बारे में आपको हर एक सेंटर पे पता होना चाहिए। तो वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा मैं क्या आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, तो चाइना वर्सेज हिंदुस्तान से हमने स्टार्ट किया है, हमने सबसे पहला सेंटर पढ़ा है चाइनीज सेंटर। चाइनीज सेंटर में मैंने बोला कि अर्लीस्ट और लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट ये अपने अपने आप में एक सेंटर है। ओके, माउंटेन रीजन ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न चाइना को ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसमें जो एंडेमिक स्पीसीज होती है वो होती है पीच, ब्रिंजल, ऑरेंज, सोयाबीन। अब भाई इसको याद कैसे करें, तो इसको याद करने की ट्रिक है पीच बॉस, पीच BOS। तो पीच जो है वो तो अपने आप में एक पर्टिकुलर स्पीसीज है यहाँ पे एंडेमिक, बी फॉर ब्रिंजल, ओ फॉर ऑरेंज और एस फॉर सोयाबीन। ओके, फिर दूसरा जो हमने सेंटर पढ़ा जो कि चाइना वर्सेस हिंदुस्तान में था, वो है हमारा हिंदुस्तान सेंटर। देखो हिंदुस्तान सेंटर को हम लोग हिमालयन सेंटर भी बोलते हैं, इसके अंदर आता है असम, बर्मा, इंडो चाइना एंड मलायन। इसकी जो एंडेमिक स्पीसीज है उसको याद करने का है कि हमने चाइनीज और हिंदुस्तान के बारे में बोला, तो देखो चाइनीज और हिंदुस्तान में हम ऑब्वियसली बोलेंगे कि जो बॉस है वो कौन है, हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान जो बॉस है उसके पास अपनी मुस्टैश तो होंगी ना, यानी कि मूछें तो होंगी। तो आप इस ट्रिक को याद ले सकते हो कि BRP MUSUTUCU। ओके, मुस्टैच वर्ड से थोड़ा बहुत ये रिलेट हो रहा है, तो आप उसको जस्ट याद कर सकते हो। ये जस्ट एक रिमेम्बरिंग सी ट्रिक है जो कि आप एग्जाम में याद कर सकते हो। अगर आप एकदम कंफ्यूज हो कि कैसे याद करना है, तो अभी ट्रिक्स को दिमाग पे रखो, इससे एटलीस्ट आप 2-3 एग्जाम्पल वहां पे लिख के आओ एंडेमिक स्पीसीज के। तो बी फॉर ब्लैक पेपर, आर फॉर राइस, पी फॉर पी है, MU मतलब मूंग दाल, SU मतलब शुगर केन, TU मींस टर्मरिक एंड CU मींस कुकुम्बर। ओके, तो आई होप कि चाइनीज सेंटर और हिंदुस्तान सेंटर आपको समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि चाइना वर्सेस हिंदुस्तान आप ऐसे याद करो, और हिंदुस्तान वो तो हमेशा बॉस ही होता है और उसके पास अपनी मुस्टैचेस होती है। ओके, फिर हम लोग चलते हैं थर्ड और फोर्थ सेंटर पे। अब चाइना वर्सेस हिंदुस्तान के बाद जो थर्ड और फोर्थ सेंटर हम पढ़ेंगे वो होगा माँ शब्द से। माँ मतलब मदर होता है, तो M मतलब होता है मेडिटेरियन और A मतलब हम यहाँ पे अबाइसिनियन सेंटर लेंगे। मेडिटेरियन सेंटर कवर करता है बॉर्डर ऑफ मेडिटेरियन सी। ओके, तो मेडिटेरियन सी के बॉर्डर को कवर करता है। इसमें बेसिकली हमारी कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स आती है। इसकी जो एंडेमिक स्पीसीज आप याद करोगे वो याद करोगे वर्ड OBC से। ओके, ओ फॉर ओट, बी फॉर बार्ले एंड सी फॉर कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। अगर आप लोगों ने मेरी प्लांट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है, तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कैबेज और कॉलीफ्लावर को मेडिटेरियन से इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, तो एक चीज आप हमेशा याद रखो कि जो कैबेज और कॉलीफ्लावर होता है ना, ये जो वेजिटेबल्स होती है जो रोसेट्स के फॉर्म पे होती है, प्रोडक्शन हुआ है वो मोस्टली मेडिटेरियन से इंडिया में हुआ है, जो कि ब्रिटिशर्स ने प्लांट इंट्रोडक्शन के थ्रू करवाया है। फोर्थ सेंटर इज अबाइसिनियन सेंटर। देखो अबाइसिनियन सेंटर के अंदर कौन सा रीजन आता है, इथोपिया एंड सोमालिया। तो इथोपिया एंड सोमालिया रीजन हमारा अबाइसिनियन सेंटर के अंदर आता है। इसके अंदर जो एंडेमिक स्पीसीज होती है उसको आप वर्ड याद करोगे कोकासो। कोका सो मतलब को मतलब कॉफी,
क्या मतलब कैस्टर सी ए, एसओ मतलब शोरगम और डब्ल्यू मतलब हो जाता है पीट. ओके पहले हमने दो सेंटर पढ़े, चाइना का जो ट्रिक था वो था पीच बॉस, हिंदुस्तान की ट्रिक थी बी आर पी, फिर मुस्टैक से हमने उसको रिलेट किया था. मेडिटेरियन और अबाइसिनियन, जो माँ वर्ड हमने लिया ना मदर, यानी कि मेडिटेरियन और अबाइसिनियन, मेडिटेरियन की ट्रिक है ओबीसी और अबाइसिनियन की जो ट्रिक है वो है कोकासो. हम लोगों ने चार सेंटर बहुत इजीली याद कर लिए. अब ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ वाली हमारी सेंटर ऑफ ओरिजिन है ना, ये एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट करती है, दोनों ही एशिया से रिलेटेड है. अब देखो कोई चीज हमारे पास है, हमारे पास नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इक्वेटर है, हम लोग ना सेंटर वाली चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो पहले हम लोग सेंट्रल वाला मेंशन करेंगे. तो फिफ्थ नंबर पे जो हमारा सेंटर ऑफ ओरिजिन आता है वो है सेंट्रल एशियन सेंटर. ये जो सेंट्रल एशियन सेंटर है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, इंडिया, अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. जो एंडेमिक स्पीसीज के लिए ट्रिक है ना वो है सी ओ जी जी, सी फॉर कैरेट, ओ फॉर अनियन, जी गार्लिक एंड जी फॉर ग्रेप्स. अगर ऐसे याद नहीं होता ना तो सैंडविच और नूडल्स वाला एग्जांपल याद कर लो. कभी कभी सैंडविच और नूडल्स खाने का मन करता है ना, आप जिसका जो फेवरेट है वो उसको इमेजिन कर लेना. उसमें आप क्या क्या यूज करते हो, अनियन यूज करते हो, गार्लिक यूज करते हो, कैरेट यूज करते हो, मिर्च लग गई तो थोड़ा मीठा खाने का तो मन करता है ना, तो आप लोग ग्रेप्स खा लेते हो. तो जस्ट थोड़ा थोड़ा रिलेट करके चलोगे तो आपको इजिली एंडेमिक स्पीसीज जो है वो याद हो जाएगी. सेंट्रल एशियन सेंटर हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एशियन माइनर सेंटर. एशियन माइनर सेंटर के अंदर जो रीजन आता है वो है ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान. इसका जो ट्रिक मैंने बनाई है वो है अल्पो वाफी. अल्पो वाफी यानी क्या, अल्पो मतलब यहाँ पे अल मतलब होता है आलमंड, पीओ मीन्स पॉमग्रेनेट, वा मीन्स वॉलनट एंड एफआई मीन्स फिग. बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें हैं. तो ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, काफी ज्यादा वेल्दी कंट्रीज होती है, तो यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीजें खाने की कोशिश करेंगे जो बहुत ज्यादा क्या होती है, हमारी कॉस्टली होती है. ओके तो आपको जस्ट रिलेट करना है और इस तरीके से याद करना है एंडेमिक स्पीसीज के नेम. अब हम लोग हमारे लास्ट के टू जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि है सेंट्रल अमेरिकन सेंटर एंड द सेकेंड इज साउथ अमेरिकन सेंटर. यहाँ पे भी हम लोगों ने सेंट्रल वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, तो पहले हम लोग सेंट्रल अमेरिकन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग साउथ अमेरिकन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे. तो देखो जो सेंट्रल अमेरिकन सेंटर है इसके अंदर कौन सा रीजन आता है, मेक्सिको, ग्वाटामेला, कोस्टा रिका, होंडुरास रीजन, ये सारे रीजन जो होते हैं वो सेंट्रल अमेरिकन सेंटर के अंदर आते हैं. इसकी एंडेमिक स्पीसीज कैसे याद करोगे, कि एमपी और राजस्थान पे हमने क्या बेचा, हमने चिली बेची. एमपी राजस्थान में जाके हम लोगों ने चिली बेचे. तो यहाँ पे जो एमपी वर्ड है, एम मीन्स मेस, पी मीन्स पम्पकिन, राज वर्ड से आप राजमा याद कर सकते हो, बी से बीन्स वर्ड होता है और चिली से चिली वर्ड नॉर्मल चिली ही होता है. तो ये सेंट्रल अमेरिकन सेंटर के एंडेमिक स्पीसीज के कुछ ट्रिक है. ओके साउथ अमेरिकन सेंटर के बारे में कहेंगे तो उसमें कौन से रीजन आता है, परवियन रीजन आता है, ब्राजील रीजन, आइलैंड ऑफ साउथ चाइल्ड, ये देखने को मिलता है. जो एंडेमिक स्पीसीज होते हैं उसको आप क्वार्टर वर्ड से याद कर सकते हो. जब हम लोग क्लॉक के लिए एक वर्ड यूज करते हैं क्वार्टर आता है, तो यहाँ पे जो क्यू है उसका मतलब क्विनीन है, टी फॉर टोबैको एंड आर फॉर रबर. तो ये हम लोगों ने एट सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में पढ़ा जो कि वेबिलॉग ने दिया था. एंडेमिक स्पीसीज होती है वो माइंड पे नहीं रहती है, और ये जो जितने भी सेंटर्स होते हैं उनको याद करना काफी टिपिकल होता है, बट अगर हम लोग ट्रिक्स के साथ याद करें, निमोनिक्स के साथ याद करें, तो बहुत ईजी होता है ऐसी चीजों को याद करना. मैंने आप लोग को बोला था कि 2012 पे एट सेंटर ऑफ ओरिजिन को इवॉल्व करते हुए 12 सेंटर ऑफ ओरिजिन बनाए थे. तो यहाँ पे जो दो सेंटर ऑफ ओरिजिन तोड़े गए थे फर्दर ऑन, उसमें से एक हमारा हिंदुस्तान सेंटर और दूसरा था हमारा साउथ अमेरिकन सेंटर. हिंदुस्तान सेंटर को टू पार्ट्स पे डिवाइड किया था, इंडो बर्मा एंड सियाम मयाला. अगर हम साउथ अमेरिकन सेंटर के बारे में कहेंगे तो इनको फर्दर और इन्होंने थ्री कैटेगरी पे डिवाइड किया था, जो कि था पेरू, चाइल, ब्राजील, परगाउन. ओके तो ये तीन थे, एक पेरू था, एक चाइल था और एक ब्राजील परगाउन था. इसके अलावा 12th जो सेंटर ऑफ ओरिजिन हमारा न्यू बना था वो था यूएसए. तो आप लोगों को आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी कि कौन से नए सेंटर थे, एट हमारे ऑलरेडी डिस्कवर्ड थे पहले से, उनको उन्होंने मॉडिफाई किया, 12 सेंटर ऑफ ओरिजिन निकाले, जिसमें से उन्होंने हिंदुस्तान को फर्दर ऑन टू पे कैटेगराइज किया, साउथ अमेरिकन सेंटर को थ्री पे कैटेगराइज किया, और जो न्यू हमारा सेंटर बना था वो था हमारा यूएसए. तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.